बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली इरादे की वीडियो में तीन हिंदसी इदाद की तफरीक का अमल सीखे। अब आइए हम इस वीडियो में चार हिंदसी अददों की बगैर हासिल वाली तफरीक का अमल सीखेंगे। आइए हम मिसाल के जरिए समझते हैं। एक गांव में मर्दों की तादाद 5,325 है और औरतों की तादाद 3,214 है। तो बताइए कि गांव में मर्दों की तादाद औरतों से कितनी ज्यादा है। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिखी हूँ। एक गांव में मर्दों की तादाद 5,325 है और औरतों की तादाद 3,214 है। तो बताइए कि गांव में मर्दों की तादाद औरतों से कितनी ज्यादा है। तो बताइए बेटा, हमें क्या करना होगा इसके लिए? हमको मर्दों की तादाद में से औरतों की तादाद तफरीक करना होगी, तब हमें हम जवाब हासिल हो जाएगा। इसीलिए आइए हम करते हैं। देखिए बच्चों, जो है मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार जो है इस तरीके से हमको जो है इस इन तादाद को इसमें लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे मर्दों की तादाद, यानी 5,000 के खाने में लिखेंगे, सैकड़े के खाने में 3 लिखेंगे, इसी तरीके से दहाई के खाने में 2 लिखेंगे और इकाई के खाने में 5 लिखेंगे। इस तरीके से हमने लिखे 5,325 तफरीक। यहाँ पर जो है औरतों की तादाद इसमें से तफरीक करेंगे मर्दों की तादाद में से, तो हमें जवाब हासिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है तफरीक की औरतों की तादाद यहाँ पर कितनी है? 3,214। हमें 5,325 में से 3,214 क्या करना है? तफरीक करना है, कम करना है। देखिए यहाँ पर हम 5 इकाई में से 4 इकाई तफरीक करेंगे, बचेगा यहाँ पर 1। इसी तरीके से 2 दहाई में से 1 दहाई तफरीक करेंगे, बचेगा 1। 3 सैकड़े में से 2 सैकड़ा तफरीक करें, बचा 1। और 5,000 में से 3,000 तफरीक करें, बचा 2। तो हमारा जवाब आ गया 2,111, यानी मर्दों की तादाद औरतों से 2,111 ज्यादा